कटनी में वन विभाग कार्यालय परिसर में खड़ी कार में अचानक आग लगी है। कोई समझ पाता इसके पहले ही आग ने विकराल रूप धारण कर लिया, जिससे अफरा तफरी मच गई है। घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पा लिया है। फिलहाल आग लगने के कारणों का खुलासा नहीं हुआ है। वही घटनास्थल के सामने ही पेट्रोल पंप था। समय रहते आग पर काबू पाने से एक बड़ी घटना होने से टल गई है। गाड़ी पार्क करके और बच्चों के लिए कपड़े लेने चला गया और उनको छोड़ के भाई तैयार हो जाए। जब लौट के आए लगभग 7 बजे तो गाड़ी पूरी फुल चुकी थी। बगल में स्विफ्ट कार खड़ी थी, उसमें आग लग गई थी किसी कारण। आपकी गाड़ी कौन सी थी? हमारी गाड़ी मारुति सुजुकी सेलेरियो थी, अभी 2023 का मॉडल है। आप कहाँ से आए थे? मैं सतना का हूँ, सतना जिले का। हाँ, और गाड़ी शंकरलाल गुप्ता के नाम पर है। तो वहाँ कहाँ खड़ी की थी आपने? उसी के बाजू से गाड़ी की? जी, मेरी पहले अकेले खड़ी थी सर, बगल में दूसरी गाड़ी। तो आपकी भी गाड़ी जल गई? तो आप क्या रिपोर्ट लिखवाने आए? जी सर, मैं थाने में सूचना देने आया हूँ सर। क्या नाम है आपका? पंकज गुप्ता मेरा नाम है सर। मैं सतना से आया था, सभागंज पथराटा है। मेरी बहन श्री संतोष गुप्ता जी के यहाँ ब्याही हुई है जी। उनकी बच्ची की शादी, सीता गुप्ता की शादी है आपके कैमोर में। कैमोर सरस्वती स्कूल में कार्यक्रम चल रहा है आज का। बच्ची भी यहीं पार्लर में बैठी हुई है। आग लग जाने के कारण गाड़ी कहीं जा नहीं पा रही सर, इसी कारण से बड़ी परेशानी। वहाँ पर एक व्यक्ति जो है नरेंद्र त्रिपाठी, अपनी स्विफ्ट कार से सिहोरा से आए थे और वहाँ पर उन्होंने गाड़ी खड़ी की। देखा तो गाड़ी में धुआं निकल रहा था, बोनट खोली तो उसमें शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लग गई। और आग ज़्यादा लग जाने से गाड़ी काफ़ी ज़्यादा क्षतिग्रस्त हो गई, पूरी जल गई है। बाजू में एक और कार खड़ी हुई थी जिसमें भी आग पकड़ ली, लेकिन समय पर जो है दमकल घर भी पहुँचे, फायर ब्रिगेड से आग बुझा दी गई।